जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर बनाया था आईयूबी वेबसाइट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कॉफ़ी की, हमने वेबसाइट बनानी है। तो कॉफ़ी का मैंने एक फोल्डर बना लिया। आप इसके अंदर जो भी हमने काम करना है सारे का सारा यहाँ पे करेंगे। इस फोल्डर को हमने अपने वीएस कोड के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे आए, न्यू फोल्डर, ओपन फोल्डर, उसकी शॉर्टकट की जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आए वेब, और ये फोल्डर अभी मैं क्रिएट करके गया हूँ, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, index.html। HTML की मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, तो आप इसको दोबारा भी ठीक कर सकते हैं। अभी हम करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें और रीनेम कर दें, या F2 इसकी शॉर्टकट की है, आप वो यूज़ कर लें। यहाँ से हमने इसकी एक्सटेंशन को ठीक करना है, HTML। तो ये आपके पास आ गई। यहाँ पे इसके पूरे का पूरा सेंटेक्स जो है वो हम उठा लाते हैं, उठा लाए। दोबारा इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं हम। ये हमारा कॉफ़ी का फोल्डर है, इंडेक्स की फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, और वो फोल्डर होगा इमेजेस का फोल्डर आप क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो का फोल्डर भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इमेजेस का फोल्डर आ गया, वीडियो का आ गया, और मज़ीद अगर कुछ आपको दरकार हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सीएसएस के अंदर हम मज़ीद और इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे। अब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये काम आपने कर लेने हैं। अब आपका एक प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पे कॉफ़ी, और उसके अंदर ये चीज़ें हम क्रिएट कर चुके हैं। चलें जी, हमारा जो इंडेक्स है, हम आज सिर्फ इंडेक्स के अंदर ही कोडिंग करेंगे। कॉफ़ी मैं टाइटल दे देता हूँ इसको, कॉफ़ी। ऑयल प्रोग्रामर्स, हमारे पास टाइटल आ गया। यहाँ पे कुछ भी हम हेडिंग ऐड कर देते हैं, बॉडी, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। गो लाइव सर्वर पे, गो लाइव गए, हमारे ब्राउजर के अंदर ये फाइल ओपन हो गई, और ये आ गई, दिस इज बॉडी, और टाइटल आ गया, कॉफी इज ऑयल फॉर प्रोग्रामर्स। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक उसका टाइटल बार बनानी है, ठीक है ना। यहाँ पे हेडर बार कह लें, या उसको आप टाइटल बार कह लें, वैसे इसको हेडर का सेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेडर सेक्शन कहते हैं। हेडर सेक्शन के अंदर आपकी एक तो नेव बार आ जाती है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, अगर आपने कुछ टैब्स ऐड करने हो तो वो आ जाते हैं, कि ये सारे के सारे। मैं यहाँ पे हेडर, अगर हम हेडर सेक्शन, या इसको सेक्शन डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास एक सेक्शन आ गया। अब ये एक सेक्शन है, इसका काम कुछ नहीं है, जस्ट ये सेक्शंस वेबसाइट के पेज को डिवाइड कर देते हैं। अब कुछ सेक्शंस होते हैं, अब हेडर सेक्शन, अब मजीद हम पेज डिजाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ हेडर सेक्शन हो गए, कुछ फुटर सेक्शंस, कुछ साइड बार, ये सारी चीज़ें हमने यूज करनी है। तो फिलहाल आप देखें कि हमने एक सेक्शन बनाया, और उसके अंदर हम सारी की सारी कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे एक कॉमेंट मार देता हूँ कि दिस इज हेडर सेक्शन। अब हम इसके अंदर आके टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइन सिर्फ टेबल से ही करना है। मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, और यहाँ पे इसकी एक रो क्रिएट की, और रो के बाद हमने डेटा मतलब के कॉलम क्रिएट किया, तो ये हमारे पास आ गया। हम इसकी विड्थ देंगे, अब विड्थ हमने कितनी देनी है, विड्थ कितनी दें इसकी, 100% आ गए। यहाँ पे हम इसको अलाइन कर देते हैं, अलाइन सेंटर। चलें जी, हमारे पास अलाइन सेंटर हो गया। हम इसकी हाइट भी कुछ दे देते हैं,
लेट्स सपोज के हम 100 पिक्सल देते हैं, ओके 100 पिक्सल कुछ ज़्यादा है, अगर हम 70 पिक्सल करें तो ये ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लोगो ऐड करेंगे, लोगो ऐड कर सकते हैं और उसका टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, और इस साइड पे कुछ सोशल्स के आइकॉन दे देते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हमें ये जो है इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, दो हो गए, अब ये तीन। अच्छा तो हम कुछ ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो पे ही रहते हैं और हम इसको जो है विड्थ दे देते हैं 50%, और 50% ही हम दूसरे कॉलम को दे देते हैं। अब दोनों 50-50 के अंदर आ गए, हम इस साइड पे एक लोगो ऐड कर देंगे और एक इमेज ऐड कर देंगे कॉफी की, या आप जस्ट एक उसका ऐड करना चाहें उसका नेम तो वो भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। अगर आप डिज़ाइन करके लाना चाहें इमेज को तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर लोगो दिया जाएगा, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आगे इस 50% के अंदर, अब हम यहाँ पे दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं। दो चीज़ें ऐड किस तरह करेंगे, या तो हम दोबारा टेबल बना दें, टेबल के अंदर टी डी सॉरी टी आर, टी आर मीन्स टेबल रो, और यहाँ पे टी डी टेबल डेटा हम क्रिएट कर देते हैं। दोबारा से देख लें एक दफा, वंस अगेन। अगर कोई चीज समझना है तो आपने मुझसे पूछ लेनी है, ओके। यहाँ पे था हमारे पास टेबल डेटा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे दो टेबल्स बनाना चाहते हैं, एक इस साइड पे चला जाए, एक इस साइड पे चला जाए, वहां पे हम लोगो या कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा, एक टेबल तो बन चुका है, अब इसके अंदर मैं दोबारा दूसरा टेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, इसका हम बॉर्डर भी दे देते हैं 1 पिक्सल, वही काम जो मैंने पहले करके वापस में आया था। टी आर मीन्स के टेबल रो हम क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम टी डी मीन्स के हम टेबल डेटा क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं डेटा देता हूँ तो वही डेटा आ गया। अब हम इसको दोबारा से कर देते हैं तो ये 2 हो गए, लेकिन हमने ये हमारा टेबल है, अब ये टेबल हमारा किसके अंदर है, हमारे ये जो हमारा एक कॉलम है इसके अंदर हमारा ये वाला टेबल है। हमारे इस वाले टेबल की जो विड्थ होगी, जो हाइट होगी, उतनी ही हाइट इसने लेनी है, ये इससे ज्यादा की सर हाइट विड्थ नहीं ले सकता, ओके जी। तो हम इसको विड्थ दे देते हैं 100%, क्योंकि अपने इस ये जो इसका कॉलम है, ये वाला सेल या कॉलम आप कह लें, कॉलम भी कह सकते हैं सेल भी कह सकते हैं, ये जो हमारा सेल है इसका जितना साइज है इसने इतना ही साइज लेना है, तो फिर हम उसको 100% कर देते, इट मीन्स कि ये 50% ये सारे का सारा इसने कवर कर लेना है, और हम इसकी हाइट जो है वो भी कर देते हैं। अब हाइट ये जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 70 पिक्सल, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं ना, तो इसको भी हम 70 पिक्सल ही कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं, अपना आइकॉन, दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। मैं अगर यहाँ पे एक और सेल बना दूँ तो 3 हो गए, बेशक हम एक को खाली छोड़ दें, इन दोनों को यूज़ कर लें तो हमारे लिए कोई इशू भी नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। मैं अब 3 है, 3 को अब 100 को हमने डिवाइड करना है। अब ये देखें इस पूरे की जो विड्थ है वो 100% है, और 100 को हमने 3 पे डिवाइड करना है क्योंकि इसके अंदर अब 3 कॉलम्स हैं, तो तीनों को कितनी कितनी आएगी, 30%, जो कि बॉयज नंबर लेके पास होते हैं स्कूल के अंदर, 33%। ठीक है, अब इसका मैं डेटा खत्म कर देता हूँ। अब इस जगह पे हम एक ले आते हैं, यहाँ पे मैं टाइटल ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉफी,
ऑल अबाउट कॉफी, और अगर हम इसको लेट्स सपोज के मैं बोल्ड करना चाहूँ तो फिर क्या करेंगे हम? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अटैक। चलें जी। ठीक ये हम स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यहां पे हम ऐड करेंगे इसका लोगो, कॉफी का लोगो। तो आपने कोई इमेज उठा के ले आनी है, मैं यहां से इमेज उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज PNG विंग्स, मतलब ये एक मेरे पास वेबसाइट मेंशन है, अगर यहाँ से मुझे मिल जाती है कॉफी की इमेज तो वेल एंड गुड, मिल गई, एक्सीलेंट। अच्छा तो आई थिंक कौन सी ऐड करें, काफ़ी बेहतर आ रही है, चलें ये ऐड कर देते हैं। इसको हमने डाउनलोड करना है। अब ये PNGWings.com ये वेबसाइट है, आप किसी और वेबसाइट से भी कंसर्न कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। डाउनलोड PNG पर क्लिक करते हैं तो आई एम नॉट ह्यूमन्स, आई एम अ ह्यूमन्स, तो प्लीज क्लिक कंटेंट सर मोर। ये इसका बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट है तो ये कोई इशू नहीं होगा इस तरह से वो नहीं पीछे? ये PNG होगी, PNG होगी। अब हम डाउनलोड करेंगे ना तो फिर सर मैं सेंड करूँ आपको कॉपी? नहीं ना करो। ये पिक्चर डाउनलोड होगी, अब इसको मैं ओपन करके ले जाता हूँ। वो हमारा जो फोल्डर आपको पता है ना, जहाँ पे ये आ गई, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये हमारा कॉफी वाला फोल्डर आ गया इमेजेस के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लूँगा। रीनेम हम इसको करेंगे logo.png, ठीक है। तो हमने लोगों को यहाँ पे कॉल करना है। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेंज करके देख सकता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या हम एग्जैक्ट जगह पर हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग आ गई, इट मीन्स कि हम एग्जैक्ट जगह पे हैं। तो आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं ये टेक्स्ट ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम इमेज को कॉल करते हैं। इमेज को कॉल करने के लिए हमारा फोल्डर, ये जो हमारी इमेज था लोगो, इसका पाथ क्या है? images/logo.png। देखें हमारी वो इमेज आ गई, लेकिन हम इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विड्थ से। विड्थ हम इसको देते हैं 50 पिक्सल, और हम इसको हाइट जो है वो भी देते हैं 50 पिक्सल। तो ये देखें हमारे पास इमेज आ चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम इसको अगर अलाइन करना चाहें, मैं इसको अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इस सेल के अंदर इमेज है तो मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ, अलाइन, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ क्योंकि ये इस साइड पे आ जाए। ओके, तो ये इसके साथ अटैच हो गई। अगर हम इसकी विड्थ और हाइट को ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 100, और जो इसकी हाइट है वो भी हम 100 चेक करते हैं क्या ये अच्छा रिजल्ट देती है हमें। तो ये थोड़ा सा साइज उसका ज़्यादा हो रहा है, 70 हम इसकी हाइट करते हैं। चले ठीक है, ये बेस्ट है, हम इसी को इसी से जाने देते हैं, अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे ऑल अबाउट कॉफ़ी था ना कि जस्ट अबाउट कॉफ़ी, ऑल अबाउट कॉफ़ी ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे इसको तो हम खाली छोड़ते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ लिंक ऐड कर देते हैं। लिंक हमने किस तरह से ऐड करने हैं? अब यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा टैक्स ऐड करके चेक करते हैं कि हम एग्जैक्ट जगह पे हैं, इट मीन्स कि हम एग्जैक्ट जगह पे ही हैं। यहाँ पे हम टेबल दोबारा क्रिएट कर लेंगे, स्पेस मारेंगे और यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं TR, और यहाँ पे TD और डेटा, और यहाँ पे हम इसका भी बॉर्डर अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और ये बॉर्डर हम 1 पिक्सल ही दे देते हैं। इसकी विड्थ जो है हम कर देते हैं कितनी करें, 100%, क्योंकि अब ये इस सेल के अंदर इस पर डिपेंडेड है, इससे ज़्यादा का एरिया नहीं ले सकती। हम चाह रहे हैं कि वो 100% ले, तो जब हमारा 100% से अब क्या मकसद है,
ये इसका जो एरिया है वो सारे का सारा कवर कर ले। ओके, तो उसने कवर कर लिया। हम इसको हाइट जो देंगे, अगर वो भी हाइट, अब 100% ही 100 पिक्सल देनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज को हमने कितनी दी थी हाइट, सर आपने वो दूसरे से दी है, नीचे देनी थी, सॉरी नीचे वाली लाइन में। इट मीन्स कि आपको समझ आ रही है। अच्छा, तो ये होगी, ठीक है, हम इसको अलाइन भी कर देते हैं सेंटर, और ये हमारे पास सेंटर के अंदर आ गया। अब हम इसको डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट हो गया, और करना चाहें ये भी हो गया, मज़ीद करना चाहें ये हो गया। जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल और डी को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास ये डुप्लीकेट हो रहा है। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लिंक ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये 6 हो गए। हम इनको जस्ट 5 ही करते हैं, और हर एक को विड्थ हम दे देंगे 20%। मल्टी कर्सर को हम कब यूज करेंगे? ट्वेंटी परसेंट अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे ही फेसबुक, क्योंकि इसका हो सकता है सोशल लिंक फेसबुक का हो, व्हाट्सएप का भी हो सकता है, फोन नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्विटर, तो ये ऐड हो गए। अब अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? आपको पता है ये सारे का सारा ये टेबल है। हम यहाँ पे जाते हैं बीजी, कलर कौन सा कलर दें? फ्लोरेसेंट सर लाइट ग्रीन। ग्रीन, लाइट ग्रीन दें। जी सर, ये अच्छा नहीं आ रहा। लाइट ग्रीन अच्छा आएगा, देख सर लेंगे। नहीं कैमल ब्राउन करें, मुझे वो स्पेलिंग ही नहीं आती। वो क्योंकि काफी है ना उसलिए उसका कैमल ब्राउन करें। ये ये अच्छा इतनी जी होता ठीक है, सर, ये ब्राउन इतनी करते होता हैं। है सर। अच्छा सियान दे दो भाई। चले, मैं स्टाइल और कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? वाइट। जस्ट ये आपने एक टैग यूज करना है, बाकी परफेक्ट परफेक्ट सर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर परफेक्ट ठीक नहीं कलर, लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, अच्छा नहीं लग रहा, ये आंखों को चुभ रहा है। नहीं, इसका अब ये देखो ना टैक्स, ये पिक्चर मैच होगी तो काफी अच्छा लग रहा है। आप जब बनाए तो फिर आप चेंज कर लीजिएगा ना, ठीक है? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बॉर्डर यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 पिक्सल कर देता हूँ, इसका बॉर्डर खत्म। अब इसके अंदर जो टेबल है उन सब का भी बॉर्डर हम खत्म कर देते हैं, तो फिर आप चेक कीजिएगा कैसा लग रहा है। ये खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बॉर्डर है, तो ये खत्म हो गया। अब बताएं, अच्छा नहीं लग रहा? सर आपको अच्छा लग रहा है तो बेस्ट है सर। बाकी लोग क्या कहते हैं? लग रहा है अच्छा वाइट के साथ, मतलब अभी तो रेड ही लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे उनको अच्छा लग रहा है जिस तरह का लग रहा है, ना अच्छा है ना बुरा अच्छा, है। चेंज आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एक अपना मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू मतलब के लिंक हम ऐड करेंगे अपने जो पेजेस होंगे। आप कोई भी वेबसाइट देखें तो वहाँ पे लिंक होते हैं, होम पेज, जिस तरह हमने कल बनाया था, कल के प्रोजेक्ट के अंदर आईयूबी की वेबसाइट पर जो पेजेस थे उनको लिंक जो थे। अब
वहां पे तो हमने डायनामिक बना दिए थे, उनके अंदर चेंजिंग नहीं की थी, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रॉपर काम करना है तो उसके लिए बनाएंगे। तो हमारा एक सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, अब दूसरा हम सेक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ना करना चाहें वो भी कर सकते हैं, तो काम हम दोनों तरह से ही कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम स्टार्ट कर देते हैं सेक्शन, दूसरा सेक्शन आ गया, हम यहाँ पे एक कमेंट मार देते हैं कि मेन्यू स्टार्ट फ्रॉम हियर चलें जी, और यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे। कैप्स लॉक मेरा ऑन हो गया, टेबल और टी आर, और टी आर के अंदर टी डी, टी आर मीन टेबल रोज और टी डी मीन्स टेबल डेटा। बॉर्डर हम इसको दे देते हैं 1 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको विड्थ देते हैं 100%, और हम इसको हाइट देते हैं 50 पिक्सल। इसके अंदर अभी हमने ऐड कुछ नहीं किया, मैं ऐड कर देता हूँ डेटा। तो चलें जी, हमारे पास ये डेटा आ गया, अगर हम इसको अलाइन करें तो हम अलाइन इसको कर सकते हैं सेंटर, सेंटर के अंदर हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल्स लिंक ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये हो गया, मजीद करना चाहें तो ये हो गए, जस्ट आपकी एक क्लिक का खेल है। अब यहाँ पे मैं टैक्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ होम, और यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टाइप्स कॉफी टाइप्स, यहाँ पे रेसिपीज कर दें सर, कॉफी की रेसिपीज आ जाएंगी। उसके बाद अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन या क्वेश्चन आस्क एनीथिंग या कुछ भी इस तरह से। आस्क, और यहाँ पे हम कर देते हैं अबाउट, अबाउट दिस और कांटेक्ट को निकाल के टाइम, तो ये हमारे पास सारे का सारा मेन्यू बन गया। लेकिन अब इसके अंदर डिफरेंस ये है कि कुछ की विड्थ ज्यादा है, कुछ की कम है, तो हमने सबको एक जैसी विड्थ देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 100 को, इस 100 को हमने डिवाइड करना है 7 पे, कैलकुलेटर उठा लो, थर्टीन पॉइंट फिफ्टी तकरीबन। 14.28। माइक बंद करो, माइक किसका ऑन है, माइक बंद रखा करो। अच्छा, ये सब तो उसने एक जैसी डिवाइड कर दी, जस्ट हम अब ये करते हैं कि ये जो हमारे सारे के सारे टैग हैं, इस पर अगर हम स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हूँ, और मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हम यूज करते हैं, और फिर आप पेस्ट कर दे, तो आपने भी ऐसा ही करना है, ताकि ये जो हमारे टैग है ये हमें मजीद बोल्ड थोड़े से नजर आए। मजीद अगर ये जो पेजेस हैं इनमें हमें चेंज करनी पड़ी तो हम वो भी कर देंगे।
अब अगर हम अपना रिजल्ट देखें तो हमें कुछ भी नज़र अब आ रहा है, पहले चला गया था सर्वर जो वो इसकी एक्सटेंशन थी ना वो चेंज हो गई थी। अब हमने इसका भी बीजी कलर जो है वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो इसका क्या कलर दें? चलें जी जल्दी से बता। सियान यही S-Y-A-N, C-Y-A-N. सियान, तो ये कौन सा कलर हो गया? C-Y-A-N. सियान ठीक है। ओके करवाने से ये कैसे है? जल्दी बताएं। जिसकी लाइन की भैंस वाला काम है। सर कोल्ड कलर यूज करें, कोल्ड कलर। अब ये तो आप हॉट कलर यूज कर रहे हैं तो आंखों को चुभते हैं ये। ये ठीक है, चलें कैसा है? वैसे मैरून ऊपर वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब मैं वहां पे ऊपर मरून ही। करूं? हाँ ऊपर वाले से भी ये करते। चले मैंने वो उसका जो बॉर्डर था वो भी खत्म कर दिया, तो आपने यहां तक काम करना है और इससे नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आप अपने जो आपके पास स्किल्स हैं वो यूज कीजिएगा। ओके